संघर्ष विराम चल रहा था उसे अब और एक्सटेंड कर दिया गया है। हमास के चंगुल से 20 बंधकों की रिहाई होगी पहले, और इसराइल से 7 फिलिस्तीनी कैदी भी छोड़े जाएंगे, तब तक सीज फायर लागू कर दिया गया। तो चौथी खेप में हमास ने 11 बंधकों को रिहा किया, इसराइल की तरफ से 33 फिलिस्तीनी छोड़े गए इसके बदले में, क्योंकि तिगुनी संख्या में जो रिहाई है वो करवा रहे हैं हमास के आतंकी। इजराइल और हमास युद्ध को शुरू में 50 दिन से ज्यादा बीत चुके हैं, पहली बार दोनों के बीच संघर्ष विराम हुआ है। 24 नवंबर से लेकर 27 नवंबर के बीच 4 दिवसीय ये जो सीज फायर है वो किया जा रहा है। हमास की तरफ से 69 बंधकों को रिहा किया गया, इनमें 51 इजरायली नागरिक और बाकी के जो नागरिक है वो दूसरे देशों के थे। बदले में इजराइल की तरफ से 153 फिलिस्तीनी कैदियों को रिहा किया गया। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, लगातार जो संघर्ष चल रहा था उसे फिलहाल 2 दिन के लिए और रोक दिया गया है, क्योंकि बंधक अभी फिर से इधर उधर जाएंगे। और ये 2 तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, संघर्ष विराम को 2 दिन और बढ़ा दिया गया है, यानी और भी ज्यादा जो इजरायली बंधक है वो रिहा होंगे, और उसके बदले जो फिलिस्तीनी नागरिक इसराइल के कैद में है उन्हें रिहा किया जाएगा। तो ये समझौता हुआ है और अब इस सीज फायर को 2 दिन के लिए और बढ़ाया गया है। तो हमास की तरफ से 69 बंधकों को रिहा किया गया, इनमें 51 इजरायली नागरिक और बाकी के दूसरे देशों के नागरिक भी थे। तो बड़ी खबर ये भी आपको और भी बता दें कि जो सीज फायर एक्सटेंड हुआ है उसमें हमास के चंगुल से 20 बंधकों की रिहाई होगी, इसराइल से इसके बदले 7 फिलिस्तीनी कैदी छूट जाएंगे। गाजा पट्टी में इस दौरान पूरी तरह से इजरायली हमले बंद रहेंगे, और संघर्ष विराम से जुड़ी हुई जो ये एक बात हुई है, जो डील हुई है, उसके तहत हमास के चंगुल से अब जो 2 दिन का एक्सटेंड किया गया है सीज फायर को, उसमें 20 बंधकों की रिहाई की जाएगी और इसराइल से 7 फिलिस्तीनी कैदी छोड़े जाएंगे। कतर के विदेश मंत्रालय ने विराम 2 दिन बढ़ाने की घोषणा की है। इसराइल हमास के बीच सोमवार रात खत्म होने वाली युद्ध विराम की मियाद अगले 2 दिनों तक के लिए बढ़ा दी गई है। कतर की मध्यस्थता से इसराइल और हमास के बीच हुए सीज फायर की अवधि बढ़ाई गई है। दोनों पक्षों के बीच 4 दिनों के सीज फायर की अवधि सोमवार रात को खत्म हो रही थी, लेकिन अब इसे 2 दिन यानी आज और कल के लिए बढ़ा दिया गया है। इसके साथ ही मौजूदा सीज फायर के तहत बंधकों को रिहा किए जाने वाली नई लिस्ट भी तैयार कर ली गई है। इसराइल हमास जंग के बीच जो 2 दिनों के लिए युद्ध विराम बढ़ाया गया है उसमें नई शर्त के मुताबिक हमास 20 इसराइल नागरिकों को छोड़ेगा और इसके बदले इसराइल अपनी जेलों से 60 फिलिस्तीनियों को रिहा करेगा। युद्ध विराम को 2 और दिन बढ़ाने में कतर, मिस्र और स्पेन ने अहम भूमिका निभाई है। भले ही युद्ध विराम की अवधि कुछ वक्त के लिए बढ़ रही हो जिससे बंधकों को रिहा किया जा सके, लेकिन नेतन्याहू का इरादा एकदम क्लियर है कि युद्ध विराम की समाप्ति के बाद गाजा पर इसराइल पूरी ताकत के साथ अपनी जंगी अभियान तेज करेगा और हमास के आतंकियों के खात्मे तक जारी रहेगा। इस बीच एलन मस्क भी इसराइल पहुंचे और पीएम नेतन्याहू के साथ कफार अज्जा गए, जहां हमास के आतंकियों ने हमला किया था। इस दौरान हमास की एक एक क्रूरता की निशानी देखी। मस्क ने कहा है कि गाजा से हमास के खात्मे और जंग के बाद वो गाजा को अच्छा भविष्य देने में जरूर मदद करेंगे।